देखिए भारतीय जनता पार्टी वाले बड़े महारथी लोग हैं, इनको उद्घाटन करने का डिप्लोमा प्राप्त है, ये डिप्लोमा प्राप्त करे हुए लोग हैं। हम तो आपसे कहेंगे कि आप पत्रकार साथी सावधान रहिएगा, आप सवेरे रोज उठ के 4 बजे देख लीजिएगा कहीं आपके घर के बाहर ये लोग पत्थर लगा के ना चले जाए, आपके घर का शिलान्यास न कर दे, क्योंकि इन्होंने बुलडोजर चला लिया। बुलडोजर चलाने के बाद भी जनता नहीं डरी, फिर शिलान्यास कर लिया, एक्सप्रेस वे पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार चलते गए, इन्होंने कहा एक्सप्रेस वे हमने बनाया, पूरी जनता ने रात भर एक्सप्रेस वे पर आके सिद्ध कर दिया, वो समाजवादी पार्टी का सरकार का एक्सप्रेस वे था। यहाँ पर लगातार चुनाव आयोग की शिकायत करने के बाद पत्थर पर पत्थर लगाए जा रहे हैं, तो हम ये कहेंगे कि जो जनता बुलडोजर से नहीं डरी वो जनता इनके पत्थर लगाने से नहीं डरेगी। और मीडिया के साथियों, हम आपसे भी सावधान करेंगे, हमने अपने सभी साथियों को सावधान कर दिया है कि सवेरे उठकर जरूर देखें कि कहीं आपके दरवाजे पर शिलान्यास का पत्थर न लगा हो, यह मकान भी भारतीय जनता पार्टी ने आपको बना कर दिया है। तो इसलिए इन झूठे लोगों से, इन पत्थर वाले लोगों से, इनको डिप्लोमा प्राप्त झूठों से, डिप्लोमा प्राप्त भ्रष्टाचारियों से, डिप्लोमा प्राप्त चोरी करके पत्थर लगाने वाले, रातों रात चोरी करके पत्थर लगाने वालों से सजग रहिएगा। आप सब साथी भी, जनता सजग है, लोकतंत्र के चौथे पहरी, आप भी सजग रहिएगा, नहीं आपके घर पर पत्थर लगा दिलेगा। आप सुबह उठोगे आपको लगेगा कि ये पिताजी ने मकान में विरासत में दिया था, लेकिन उसमें पत्थर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का लगेगा। तो ये लोग हंसी के पात्र हो चुके हैं, अब इन पर दया करिए, ये जा रहे हैं, इनकी विदाई की बेला है। ये आज़ादी के बाद लोकतंत्र की सबसे बेकार नाकाम सरकार थी, सरकार जा रही है, सरकार हताश निराश है और उस हताशा निराशा में सब काम कर रहे हैं। जनता जनार्दन जाग चुकी है, ये पत्थर चाहे जितने लगा ले, लेकिन जनता ने भी मन बना लिया है कि 22 में बाइसिकल चलाएगी, इनके पत्थर काम नहीं करेंगे। अच्छा जी, ये पत्थर लगाया गया है, ये किस तरह का पत्थर है और किस क्षेत्र में लगाया गया और कब लगाया गया? एक पुल के उद्घाटन का पत्थर लगाया गया है, इसके पहले भी एक सड़क के उद्घाटन का पत्थर लगा था, मैंने चुनाव आयोग को शिकायत की थी और इसकी भी शिकायत करूंगा, लेकिन मुझे मालूम है कि समाजवादी पार्टी की शिकायत का कोई असर नहीं हो रहा है। और लगातार अगर हमारी शिकायतों की अनदेखी हुई तो छाता लगाकर कोविड काल चल रहा है, लेकिन मैं समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष हूँ, चेतावनी भी देना चाहता हूँ कि मैं अकेले छाता लगाकर चौराहे पर 24 घंटे बैठूंगा अगर लगातार आचार संहिता का उल्लंघन इन लोगों ने किया। We'll be right back.